प्योर मिट्टी का बर्तन चाक पे ही बनेगा जी, डाई मोल्ड्स पे बर्तन प्योर मिट्टी का नहीं बनेगा, उसमें केमिकल डाला होगा, उसमें खाने की वो बात आएगी। जो लोगों का क्या है, डाई मोल्ड्स बनाते हैं, केमिकल डालते हैं, स्ट्रेंथ उसकी बन जाती है और लोगों तक पहुंचा देते हैं। जो कुकर में खाना अच्छा बन ही नहीं सकता, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, और जो मिट्टी का कुकर तो मतलब मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है कि उस प्रेशर को झेल पाए। तो जो कुकर मार्केट में मिल रहे हैं उसमें भरपूर केमिकल की मात्रा मिली हुई है, वो सब के सब डाई मोल्ड से बने हुए हैं। मिट्टी के कुकर की चाहत ना रखें लोग। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए चाहत का, उसमें खाना आपके लिए बहुत हानिकारक है मिट्टी कुकर के कुकर में। हाँ, कुकर में। और जी पूरे भारत वर्ष में कोई बंदा चाक पे बॉटल नहीं बना रहा। हमने जी पूरे भारत में कोई चाक पे बॉटल नहीं बना रहा, हमें कोई नहीं मिला जी। हम बहुत जगह पे गए, हमने बहुत जगह से पूछा लोगों से, तो जी नहीं ये तो मोल्ड की आप लेकिन चाक पे बना रहे। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण अग्रवाल। ये जब अपनी अच्छी सेहत के लिए बाजार में मिट्टी के बर्तन खरीदने गए तो इन्हें पता चला कि मिट्टी के बर्तनों में भी बड़ी मिलावट है। फिर इन्होंने रिसर्च की और तय किया कि अब खुद ही मिट्टी के बर्तन बनवाएंगे और लोगों तक शुद्ध मिट्टी के बिना किसी केमिकल की मिलावट वाले बर्तन पहुंचाएंगे, ताकि जिस शुद्धता की उम्मीद में लोग मिट्टी के बर्तन लेना चाहते हैं उन्हें वैसे ही मिट्टी के बर्तन मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। हमारी कोशिश ये है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को सीधा आपसे मिलवाया जाए, जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं, ताकि आप जिस उम्मीद से अच्छी चीजें लेना चाहते हैं उसी ईमानदारी से आपको वो मिले, आपका भी लाभ हो और जो अच्छी चीजें तैयार करते हैं उनका भी लाभ हो। ये प्रयास निःशुल्क है टेक्निकल फार्मिंग का। इसी कड़ी में आज आपको फिर से मिलवा रहे हैं अरुण जी से। अरुण जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन साथ में लोगों को मिट्टी के शुद्ध बर्तन पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और मिट्टी के बर्तन चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी के बर्तनों में भी बड़ा झोलझाल है, बड़ा गोलमाल है, यानी कि उसमें बहुत सारी मिलावट है। ऐसी बहुत सी चीजें अरुण जी से जानेंगे कि शुद्ध मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं, क्या मिलावट होती है और आपको खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। अरुण जी, आपने काफी रिसर्च की मिट्टी के बर्तन जब बनाने शुरू किए उससे पहले, और आपने बताया कि बहुत सारी इसमें मिलावट होती है, तो पहले तो ये बताइए कि आपने मिट्टी के बर्तन बनाने का प्लान कैसे किया, क्योंकि आपका प्रोफेशन अलग है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये कैसे आ गए इसमें? एक्चुअली जी, मैंने तो पहले अपने लिए बर्तन ढूंढना शुरू किया, तो पहले मैं अपने लोकल शहर में गया, वहाँ देखा मैंने, तो वहाँ मुझे कुकिंग के कोई बर्तन नहीं मिले। और जी मेन जो खाने का मिट्टी के बर्तन का फ़ायदा है वो कुकिंग के खाने पे है, क्योंकि खाना जब बनता है तो जो मिट्टी का बर्तन है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखता है, उसके एसिडिक लेवल को मेंटेन रखता है। तो जी पहले मैंने कुकिंग बर्तन ढूंढे, वो मुझे नहीं मिले। फिर मैं कुछ और फिर बाहर निकला, मैं कुछ और स्टेट्स में गया, गुजरात गया, वेस्ट बंगाल गया, राजस्थान में गया मैं, और मैंने मेघालय को भी देखा। तो जी मैंने ये देखा कि उसमें मैक्सिमम जो बर्तन बन रहे हैं वो डाई और मोल्ड से बन रहे हैं। डाई मोल्ड से जो बर्तन बनता है जी, उसमें एक तो कोई आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी आम आदमी बना सकता है डाई मोल्ड से। ये डाई मोल्ड का जो बर्तन है वो प्योर मिट्टी से बन ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर डालना पड़ेगा, और वो केमिकल डालते हैं लोग। तो जब ये हम जगह जगह घूमे, और जो लोग चाक पे काम कर रहे हैं, जो बर्तन मिट्टी का चाक पे बनाए हैं, वो मिट्टी से प्योर बन जाता है जी, उसमें केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आर्टिस्ट के हाथ से बना है, उसमें पूरी स्ट्रेंथ भी आती है, और केमिकल डाले बिना ही वो बर्तन गैस पे बढ़िया चल रहे हैं। तो हमने पहले जो बर्तन जो लोग चाक पे बना रहे थे, हमने उनके बर्तन लिए, उनसे पूछा कि भाई लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे और पे रिसर्च किया, तो जी मिट्टी भी कई तरह की मिट्टी इसमें मिलानी पड़ती है, या पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, कुछ एक वाइट सैंड भी आती है। तो वो सब मिला के जब उसकी ओवरऑल जब उसकी जो पौष्टिकता बनती है तब एक बर्तन ठीक बनता है। जो लोगों का क्या है, डाई मोल्ड्स बनाते हैं, केमिकल डालते हैं, स्ट्रेंथ उसकी बन जाती है और लोगों तक पहुंचा देते हैं। आपका ये कहना है कि जो डाई और मोल्ड पे बनते हैं उनमें केमिकल मिलाना ही पड़ता है उनकी मजबूती के लिए, लेकिन अगर आप हाथ से कारीगर से बनवाते हैं तो हो सकता है शेप में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन ओरिजिनल वही बनेगा जो हाथ से कारीगर जो बनाएगा। प्योर मिट्टी का बर्तन चाक पे ही बनेगा जी, डाई मोल्ड्स पे बर्तन प्योर मिट्टी का नहीं बनेगा, उसमें केमिकल डाला होगा, उसमें खाने की वो बात आएगी ही नहीं। तो आपने कुछ और भी बताया था कि उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये मोल्ड पे बना है, डाई पे बना है या हाथ से बना है। जबकि चाक पे कोई बर्तन बनता है तो वो आर्टिस्ट के हाथों से बनता है, तो उस पर उंगलियों के निशान जो है वो अंदर रह जाते हैं। जब भी आप कोई बर्तन देखेंगे, अगर वो बिल्कुल अंदर से एकदम प्लेन है तो कोई नहीं है, तो जो डाई मोल्ड्स है उस पर अगर उंगलियों के निशान है ऐसे मिलेंगे धीरे धीरे आपको।
तो धारियाँ मिलेंगी, तो वो आपका बना हुआ बर्तन चाक बना हुआ, जैसे इसमें देखेंगे जग में आप, इसमें आपको ये धारियाँ मिलेंगी देव जी। ये ज़रा दर्शकों को दिखाएं, देखिए ये इसमें अंदर की तरफ धारियाँ हैं, तो ये मतलब क्योंकि वो फिनिशिंग करते हुए हाथ के निशान आते हैं और वो उंगली के निशान आ जी, उंगली और निशान, उंगली के निशान आते हैं। आपने एक चीज़ और बताया कि प्रेशर कुकर आजकल जो मिट्टी के आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, वो बन ही नहीं सकता, मतलब उसमें प्योर केमिकल की मिलावट है, वो क्या है ज़रा दर्शकों को बताइए। प्रेशर कुकर एक्चुअली मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का जो मुख्य कारण है वो होता है कि खाने को एक्स्ट्रा हीट ना मिले, एक्स्ट्रा हीट उसकी उसके जो छिद्र हैं वहाँ से निकल जाए। जो कुकर में खाना अच्छा बन ही नहीं सकता, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, और जो मिट्टी का कुकर तो मतलब मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है कि उस प्रेशर को झेल पाए। तो जो कुकर मार्केट में मिल रहे हैं उसमें भरपूर केमिकल की मात्रा मिली हुई है, वो सब के सब डाई मोल्ड से बने हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो सब ढक्कन सिमिलर है, सब ढक्कन या तो कांच के बने हुए हैं या किसी और प्लास्टिक मटेरियल के हैं, वो सब ढक्कन बिल्कुल सेम है। हाथ का बना हुआ बर्तन, हर बर्तन सेम नहीं बन सकता, तो जी वो बर्तन 100% हर कुकर डाई मोल्ड से बना हुआ है और भरपूर केमिकल से युक्त है। तो मतलब उसमें केमिकल मिलाते हैं तभी वो उतना मजबूती आती है। उतना उतने प्रेशर को झेल पाता है वो। और जी प्रेशर कुकर में खाना बनने के बाद तो वैसे ही उस खाने में कुछ नहीं रहा, ऊपर से मिट्टी में केमिकल और है, तो खाने में केमिकल भी आ गया, खाने के न्यूट्रिएंट्स भी मर गए, तो खाने में कुछ बचा। तो मतलब मिट्टी के कुकर की चाहत ना रखें लोग। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए चाहत का, उसमें खाना आपके लिए बहुत हानिकारक है मिट्टी के कुकर में। कुकर में तो सामने जो बर्तन है इनका जरा दर्शकों को बताइए, जैसे आपने तवे की बात की, कई लोग तवा मांगते हैं, तो इस पे ये डिजाइन अभी आपने तैयार किया है, इस पे क्या क्या लगाएंगे? तवा अभी बन रहा है जी, अभी प्रोसेस में है, तो जो भी मार्केट में तवे मिलते हैं वो सब के सब प्रेस मशीन पे बने हुए हैं। एक मिट्टी का छोटा गोला लाते हैं, उस प्रेस आती है, उसको दबा देती है, फ्लैट कर देती है, बन जाता है। उसमें ये लोगों ने अलग अलग तरह के केमिकल्स को जोड़ा बॉन्डिंग के लिए कि टूटे ना। कुछ लोग हमने देखा कि सीमेंट भी मिक्स कर रहे थे, तो इस तरह से बन रहा है ये। हमने इसको बनाया चाक के ऊपर पूरा का पूरा, हम ये तीसरी बार बन रहा है जी। दो बार बना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो टूट गया, हमने उसकी काफ़ी टेस्टिंग की। इस बार जो बनाया वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, तो ये अभी ये प्रोसेस में, इसकी अभी पकाई होकर टेस्टिंग में जाएगा, उसके बाद फिर ये दर्शकों तक पहुँचेगा। बट ये प्योर चाक पर बना हुआ प्योर मिट्टी का बर्तन है, ये हम 100% प्योर है, मतलब प्योर मिट्टी का ये तवा बोल सकते हैं इसे। हाँ जी, इस पे आप हैंडल लगाएंगे इस पे जी। अभी एक हैंडल, इसमें एक वो स्टैंड बनता है, जैसे लोगों को हाथ में पकड़ने में दिक्कत ना हो, तो स्टैंड लग जाएगा, फिर इसको आराम से आप खाना से बन सकता है। एक आपने हांडी भी, ये कढ़ाई भी मांगते हैं लोग, पिछला वीडियो देखा था तो लोगों ने बताया कि कढ़ाई, तो ये भी बनाया आपने, ये जरा इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या खासियत है। कढ़ाई लोग काफ़ी मांगते हैं अपनी सब्जियाँ बनाने के लिए और सबके लिए, तो जी कढ़ाई हमने बनाई है, इसमें हमने प्योर मिट्टी का बनाया, इसमें हैंडल भी मिट्टी के ही लगाए हैं, और जी हैंडल गर्म नहीं होता है, मिट्टी का बर्तन जल्दी से गर्म नहीं होता है, इसको पकड़ के आराम से खाना बना सकते हैं। और इसमें जी क्या है, कोई केमिकल नहीं डाला है, बिल्कुल इसकी जो उसका बेस है, बेस को अलग से लगाते हैं, बेस पहले जो ये बनती है चाक के ऊपर, तो ये पोर्शन बनता है उसका, ये बेस को फिर अलग से इसकी कुटाई करते हैं हर हांडी, हर कढ़ाई की, और फिर ये अब ये कच्ची है, अब इसको भट्टी में डालेंगे, पकाएंगे, फिर टेस्टिंग होगी और फिर लोगों तक पहुंचाएंगे। एक और है जो दही की आता है, ये जो आपने बनाया हुआ है दही की हांडी कहिए या दही जमाने का, तो इसका प्रयोग करने का तरीका अपना, क्योंकि दही खट्टा हो जाता है कई बार मिट्टी के बर्तन में, ये शिकायत रहती है, तो इसका क्या सही प्रयोग है? प्रयोग ये जी, दही को आप फ्रेश जितना आपको खाना हो उतना ही जमाएं, जैसे ये हमने 1 लीटर में बनाया हुआ है, तो इसमें आप 1 लीटर दूध जमाएं, उसको डेली खाएं, कितना जमा हो, जैसे आपने आज रात को दही जमाया है, तो जी कल पूरा दिन ये अगर बर्तन बाहर रखा रहेगा तो दही खट्टा नहीं होगा और वो ठंडा भी रहेगा। और फिर जी इसको आप अच्छे से साफ करके, सफाई के लिए आप नींबू या रीठा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो धूप में सुखाएं शाम को, और मतलब दिन में सुखा दें, और फिर उसको आप नेक्स्ट डे फिर से जमाएं, तो फिर दही, अगर धूप में सूखा हुआ बर्तन है तो दही ख़राब नहीं होगा, मतलब दिन में आपको दही निकाल करके फिर इसको साफ करके सुखा दें, या फिर आप दो बर्तन ले लीजिए, एक में आप उसको रखाने दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको दोबारा बना लीजिए उसमें, फिर उसको वॉश करके सुखा दीजिए, ऐसे दो बर्तन लेके फिर आप उसको प्रोसेस में ये कर सकते हैं जी। तो ये एक और आपने बताया था कि जो बोतल है इसमें बड़ी मिलावट आती है पानी वाली बोतल की, इसकी और दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या मिलावट आती है, और बोतल में और आपकी में क्या फ़र्क है मार्केट वाली? मार्केट में जो बॉटल्स बनी हुई हैं वो सब मोल्ड की बनी हुई हैं, उस मोल्ड में एक क्या होता है, एक लिक्विड बनाया जाता है मिट्टी का, पानी का, और उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि कास्टिक सोडा, सिलिकेट और एक पाउडर नाम से वो लोग बोलते हैं, वो डालते हैं उसमें। जो केमिकल्स साबुन बनने में यूज़ होते हैं वो एज इट इज़ डाल के उस लिक्विड बनाया जाता है, उस लिक्विड को उस मोल्ड में डालते हैं, वो मोल्ड उस केमिकल के होने की वजह से उस मोल्ड को, इस पोर्शन को वो मोल्ड सोख लेता है, बाकी मिट्टी के लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं, कुछ टाइम बाद बॉटल तैयार हो जाती है।
अच्छा। तो ये पूरी की पूरी बॉटल कास्टिक सोडा सिलिकेट से भरी हुई है और ये पूरे भारतवर्ष में कोई भी कोई बंदा चाक पे बॉटल नहीं बना रहा है। हमने मतलब पूरे भारत में कोई चाक पे बॉटल नहीं बना रहा है। हमें कोई नहीं मिला जी। हम बहुत जगह पे गए, हमने बहुत जगह से पूछा लोगों से, तो जी नहीं ये तो मोल्ड की आप लेकिन चाक पे बना रहे हैं। हमने जी फिर इसको देखा कि जब हमने भी पहले मोल्ड्स पे ही हमको पता कि बॉटल बनती है मोल्ड्स पे है, तो हमने भी मोल्ड्स बनवा लिए और हमने मोल्ड्स बनाना शुरू किया। तो जब उन्होंने देखा कि उसमें ये केमिकल डाल रहे हैं, उनके हाथ कट रहे हैं मिक्स करते हुए, तो ये प्रोसेस को बंद किया, फिर चाक पे स्टार्ट किया। दो बार, तीन बार, चार बार बॉटल ख़राब हुई हमारी, क्योंकि बॉटल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि बॉटल किया कि साइज़ भी आ जाए, उसका वेट भी कम हो और पूरी एक मतलब ओवरऑल दिखने में भी अच्छी हो। तो ये तीन चार बार में ये हम यहाँ पहुँचे हैं कि अब इसको सक्सेसफुली हम बना रहे हैं। हर बॉटल पूरी तरीके से चाक पे बनती है, उसमें जी अंदर आपको उंगलियों के निशान भी मिलेंगे बॉटल में, आप देखेंगे ये निशान आपको किसी मोल्ड के बॉटल में मिल ही नहीं सकते जी। इसमें लेकिन आपने बताया कि ढक्कन अगर सेम है तो वो प्लास्टिक का ढक्कन होगा, वो सिर्फ उस पर बनी होगी, डाई पे और मोल्ड पे। हाथ से बनी होगी तो ढक्कन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इसलिए आपको ये लगाना पड़ता है। क्योंकि जी मतलब जो बॉटल मार्केट में है उसमें लोगों का पता है कि लोग डाई की बनी हो, तो ये जो डाया है ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, और वो उन्होंने प्लास्टिक के ढक्कन का ऑर्डर दिया और वो ढक्कन बनवा लिए और सेम लगा दिए, उसको वो टाइट कर पाते हैं। अब जी हमारे जो बॉटल हैं वो बनती हैं चाक पे, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा जी। तो प्लास्टिक के ढक्कन सक्सेसफुल नहीं थे, तो फिर हमने इसमें कुछ मिट्टी या कुछ और ना जाए तो हमने ये ढक्कन लगा दिया। लूज़ रहता है तो उसको कैरी करने के तो ये नहीं है, बट ये आपकी टेबल पर रखी हुई इतनी सुंदर लगती है और पानी में जो स्थिरता आती है वो बहुत अच्छा है जी। हम आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। मतलब ये है कि भाई कैरी करने में तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि ढक्कन इसका फिक्स वाला नहीं है, अदरवाइज ऑफिस में आपको रखनी है, घर पे रखनी है, तो ये बहुत इजीली आप इसको पानी रख के इसमें पी सकते हैं जी। और ये गारंटी है कि इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ, केमिकल 100% प्योर भाई जी। मतलब दो बातें हैं, 100% प्योर है और 100% चाक पे हाथ से बनी हुई है जी। लोग बोलते हैं कि हैंडमेड है, हैंडमेड डाई को हैंडमेड नहीं बोलेंगे जी, चाक की बॉटल को हैंडमेड बोलेंगे। डाई और मोल्ड को हैंडमेड नहीं बोला जाएगा, लोग हैंडमेड बोलते हैं कि बने तो हाथ से ही है जी, पैरा से थोड़ी बनेगी, बनेगी तो हाथ से ही ना। तो हाथ का मतलब है तो चाक पे बनेगी, हैंडमेड बोलेंगे जो चाक पे आर्टिस्ट ने बनाई है, जिसमें उसको एक्सपीरियंस है। अब जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो पिछले 30-30 सालों से काम कर रहे हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास जो अभी आए हैं बट वो अपनी फील्ड में 30-30 सालों से काम कर रहे हैं, उनके हाथों को पता है जी क्या चीज़, क्या मिट्टी कितना मिलाना है, क्या चीज़ कैसे बनेगी, कैसे नहीं टूटेगी, कैसे स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा एक चीज़ और है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कई बार कि मिट्टी का सोर्स क्या रहता है, क्योंकि मिट्टी मेन बेस है इनका, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो उसमें मिलावट अगर नहीं भी की है तो भी फिर वो दिक्कत रहती है, तो मिट्टी का सोर्स क्या है वो और बताइए। मिट्टी का सोर्स इसमें जी तीन तरह से मिट्टी जनरली मिलती है, पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। जो पीली मिट्टी और जो काली मिट्टी है वो जी खेतों से आती है, जो खेत पिछले बहुत सालों से खेती के लिए प्रयोग में नहीं आए हैं और जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेडली छोड़े गए हैं कि उसको मिट्टी के लिए जो प्रजापत लोग हैं उन्हें ही मिट्टी वहाँ से दी जाती है। और ये वहाँ से क्या होता है, जो ऊपर का जो लेवल है मिट्टी का वो उतना अच्छा नहीं होता, जो जब मिट्टी को खोद लेते हैं तो मतलब 2-3-4 फुट नीचे जो मिट्टी निकलती है वो बिल्कुल प्योर केमिकल फ्री, जहाँ पे 20-20 सालों से खेती नहीं हुई है, कोई आसपास फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ से मिट्टी आती है जी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी। जो लाल मिट्टी का सोर्स होता है वो जी मेनली पहाड़ों वाले जो पहाड़ी रीजन है वहाँ से होता है, कुछ मिट्टी पहाड़ से बह के आती है तो वो सोर्स होता है, उसमें केमिकल कोई वैसे मतलब नहीं है। तो तीनों मिट्टी केमिकल फ्री आती हैं। हमने एक लॉट शुरू में टेस्ट भी करवाया था, हर बार तो टेस्टिंग कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, कि हमने शुरुआत में जो हमने टेस्ट को लॉट को अपना टेस्ट करवाया था, उसके बाद फिर वहीं से ही हम सोर्स करते हैं उसको। तो मतलब मिट्टी का सोर्स भी आप कोशिश ये है कि भाई जो प्योर हो, वहाँ भी कोई मिलावट नहीं हुई हो, कोशिश नहीं, पूरा 100% कोशिश करते हैं जी कि वहीं से ही आए और प्योर आए। तो इसके बाद ऊपर भी चमक के लिए भी कुछ इसमें वो करते हैं लोग, पेंट कर देते हैं, कई बार देखा मिट्टी वाली जो बोतल है और बर्तन वो चमकते हैं, आप वाले चमक नहीं रहे, इसके पीछे क्या कारण है? चमकने का कारण जी, हम जितना भी हम ये शाइन ला पाए हैं उसमें एक आर्टिस्ट बैठ कर जी इसको सूती कपड़े से इसकी घिसाई करता है, सूती कपड़े से, फोम से, जो चीज़ सॉफ्ट होती है उसको बैठ के इसको घिसती रहती है, तो हम इतनी चमक ले पाए हैं। जो बाकी लोग जैसे कर रहे हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पॉलिश, केमिकल, पेंट का यूज़ कर रहे हैं। इसे पेंट कर दोगे जी, अगर इस बॉटल में पेंट कर दोगे जी तो इसके छेद तो बंद हो गए, तो मिट्टी का तो कोई पर्पज़ रहा नहीं। मिट्टी का मेन होता है जी वो मिट्टी पोरस है, मिट्टी अल्कलाइन है, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पोरस होने की वजह से एक्स्ट्रा अगर कोई बर्तन कुकिंग का है तो एक्स्ट्रा हीट को वो नहीं रहने देगा, उस पोरस, उस जो भी पोर्स है उससे बाहर निकल जाएगी सारी हीट। और अगर कोई पानी का बर्तन है उसमें से हवा का आवागमन चलता रहेगा और पानी ठंडा रहेगा और नेचर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। पेंट करने के बाद नेचर के कोई कॉन्टैक्ट में है, पेंट के कॉन्टैक्ट में, मतलब उसमें किसी भी तरह का बाहर से पेंट कर दिया तो वो उसके पोर्स छिद्र बंद हो जाते हैं, फिर वो पर्पज़ उसका सॉल्व नहीं होता, डिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी कोशिश ये थी कि आपने अपने लिए मिट्टी के बर्तन ढूंढना शुरू किया, फिर पता चला बड़ी केमिकल की मिलावट है, तो आपने खुद ही लोगों तक शुद्ध मिट्टी के बर्तन पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है। अब जी हमने जब बनाना स्टार्ट किया तो लोगों के पास मतलब
लोग जी डेली में दिन में 500 हांडियाँ बना दे रहे हैं, डाई बनती हैं, जितनी डाई मोल्ड्स हैं एक बंदा बैठता है उसमें करता है, फटाफट से बन जाता है। हमारे पास ही आर्टिस्ट काम करता है, 3-4 लेवल पे हांडी बनती है, कोई बर्तन बनता है, पहले वो फ्रेश बनेगा, उसके बाद वो सूखेगा, फिर उसकी घिसाई करी जाएगी, और अगर कुकिंग का बर्तन तो उसका बेस भी अलग से लगाया जाएगा। तो जी एक दिन में 40-50 हांडी की एवरेज आती है। तो दोस्तों जैसा अरुण जी ने बताया कि इनकी शुरुआत मिट्टी के बर्तन बनाने से ऐसे हुई कि खुद के लिए मिट्टी के बर्तन ढूंढ रहे थे, पता चला कि बड़ी केमिकल की मिलावट हो रही है, तो फिर कोशिश ये की कि खुद ही बनाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ हो। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, ये अवेयरनेस का वीडियो है, ताकि आपको भी पता चले कि आप जिस अच्छी सेहत के लिए मिट्टी के बर्तन लेना चाहते हैं उनकी सही पहचान क्या होती है और वो कैसे होते हैं। जो भी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी इसमें केमिकल की मिलावट ना करें, क्योंकि लोग सेहत के लिए खरीदना चाहते हैं, केमिकल तो वैसे ही बहुत खा रहे हैं लोग, इसमें भी अगर केमिकल की मिलावट होगी वो फिर उपभोक्ताओं के साथ एक थोड़ा सा नाइंसाफी कह सकते हैं। तो इसीलिए अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। आपको अगर इनसे बर्तन लेने तो सीधा हमने नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। एक और बात आपको बता दें, ऐसे ही अच्छा काम करने वाले लोगों को हम जोड़ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, shuddhfarm.com पर। इसमें शुद्ध चीज़ें पैदा करने वाले किसान या अरुण जी जैसे लोग, इनको हम जोड़ रहे हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल शुद्ध चीज़ें मिलें, ताकि अच्छा काम करने वाले लोगों को भी बढ़ावा मिले और आप तक भी अच्छी चीज़ें पहुंच सकें। इसी कड़ी में आगे भी हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।